Myself, Dr. Rajendra Desai, MS gynecologist and IVF specialist from Surat, Bhari IVF Center. मैं आज आप सबको जो मेरे दर्दी जो वुमन है उनकी वेलनेस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। पहले तो जो भी पृथ्वी पर स्त्रियां है जिसका अंग्रेजी वर्ड है वुमन, WOMAN, वाव का मतलब WOW, मैन के जीवन में जो वाव फीलिंग बढ़ती है वो है स्त्रियां, वो है वुमन। तो ये जो भी वुमन्स है कि जो पूरे पृथ्वी में पूरे सभी पुरुषों के जीवन में जो वाव फीलिंग बढ़ती है, उनके खुद के जीवन में भी कुछ अच्छा हो, उनका स्वास्थ्य, उनके जीवन में भी वेलनेस हो, उसके लिए भी उनको कुछ नॉलेज होना आवश्यक है। तो जो भी स्त्रियां है उसको अपनी हेल्थ के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। उसमें तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक्सरसाइज, दूसरा डाइट और तीसरा स्लीप। मैं सभी स्त्रियों से अनुरोध करता हूं, कितना भी हेक्टिक अपना जीवन हो, आधा घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए, एक्सरसाइज के लिए निकाले। माना कि किसी स्त्री को 5 बजे उठना पड़ता है तो वो 4:30 बजे उठ जाए, लेकिन आधा घंटा अपने शरीर को एक्सरसाइज के लिए दे, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और डेफिनेटली उनके जीवन में 5 से 10 साल बढ़ जाएंगे। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज है डाइट। स्त्री का जीवन काफी तौर से बहुत कठिनाइयों से उसका शरीर निकलता है, डिलीवरी का जो भी शरीर में जो चेंजेस आते हैं, पीरियड के दौरान जो भी महीने में चेंजेस आते हैं, स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर से बहुत भिन्न रहता है और उसके शरीर में काफी चेंजेस पूरे जीवन दरमियान आते रहते हैं। तो इसके लिए खाने में जो भी चीजें है वो बहुत सारा स्त्री को अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए कुछ ऐसी आवश्यक डाइट के बारे में कुछ पता होना भी जरूरी है, जिनका वो रेगुलर रूप से सेवन करे तो उनका बॉडी काफी स्वस्थ रह सकता है। तो डाइट में हम बात करें तो पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो काफी शरीर के हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा रहता है, वो कॉड लिवर ऑयल, सेफ फ्लावर ऑयल में से मिलता है। तो अपने जीवन में जो भी आप खाने में रसोई में तेल यूज करते हैं तो सिंग तेल या कपासिया के तेल की वजह से ऐसा यदि आप तेल यूज करें तो आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो। दूसरा, अपने जीवन में या अपनी बेटियों के जीवन में फ्रूट्स खाने की आदत डालें। दिन में कोई ऐसे टाइम पे जब भी आपका पेट खाली है, भूख लगी है, तब मैकडोनाल्ड, बर्गर, पिज्जा ऐसी शरीर को बिगाड़ने वाली चीज से ज्यादा अच्छा है कि कोई ना कोई फ्रूट्स खाके अपना पेट भरे। बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं, वो डेफिनेट आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ाते हैं, जिससे आपके और आपके स्वास्थ्य, परिवार के स्वास्थ्य का लेवल बढ़ जाता है। ऑफ सीजन में आप ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जब तक हो सके तब तक चर्बी वाली चीज, घी, तेल, पनीर, चीज, बर्गर, बेकरी वाली आइटम, उससे जितना हो सके उतना बचे रहे, जिससे आपका वजन भी ना बढ़े और आपके शरीर के लिए भी अच्छा हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्लीप। आपके जीवन में 6 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद होना भी आवश्यक है, जिससे आपका मन भी संतुलित रहेगा, मगज भी संतुलित रहेगा और आप अच्छे से आपके परिवार का और आपका खुद का ध्यान रख सके। तो मैं आप जितनी भी लेडीज को मेरी आवाज जा रही है, उन सभी दुनिया की सभी औरतों को मैं अनुरोध करता हूं कि ये 3 चीजों पे फोकस करें
जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और आप परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रख सके, जिससे पूरे देश का स्वास्थ्य अच्छा रहे और देश प्रगति कर सके। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।